वेलकम बैक डीजीआईसी ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग इंटरमीडिएट के अजय कुमार अग्रवाल की किताब से पतलों त्रिकोणमिति पलों का प्रारंभ हम पढ़ेंगे। लाकाम को देखते हुए सरकार की मंशा के अनुसार डीजीआईसी ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडी खोल रखा है। यूट्यूब के माध्यम से आप डीजीआईसी ऑनलाइन स्टडी खोलेंगे तो आपको डीडीआईटी दुर्गावती देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के लेक्चरर का वीडियो आपको वहां दिखाई देगा। सभी विषयों के वीडियो बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ इसके पहली कक्षाओं में हमने आप लोगों को स्पष्ट पंक्तियों का अवलोकन पढ़ाया था। आज हम लोग पंक्तियों की तुलना की पंक्तियों का अवलोकन पढ़ेंगे। इसमें साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, कोट इन्वर्स का अवकलन हम पढ़ेंगे। तो कैसे हम साइन इन्वर्स का अवकलन निकालते हैं इसको हम देखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहले साइन इन्वर्स वाई बराबर साइन इन्वर्स हमने मान लिया। कोई फर्क होगा साइन इन्वर्स है या उसको हमने वाई के बराबर मान लिया, इसका हमको अवकलन निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां हम देखेंगे कि x बराबर हो जाएगा साइन वाई, फिर हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा dx बटा dy साइन वाई का cos वाई हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद आप देखिए यहां dy by dx हमको निकालना है। तो dy by dx की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा dx बटा dy, क्योंकि dy by dx गुणे dx बटा dy बराबर होता है 1। तो यहां से dy by dx बराबर हो जाएगा 1 बटा dx बटा dy। तो हमने dy by dx बराबर लिख दिया 1 बटा dx बटा dy। अब dx बटा dy की वैल्यू क्या है, 1 बटा cos y है, क्योंकि dx बटा dy की वैल्यू है खाली cos y। तो cos y हमने यहां उठा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब cos y की वैल्यू साइन के रूप में बदल देंगे। का साइन बराबर क्या हो जाएगा, त्रिकोणमिति सब संख्या जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां से कॉस एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो गया। अब यहां से देखिए अंडर रूट माइनस x स्क्वायर, क्योंकि sin y बराबर x है, तो यहां से आप dy by dx हमने निकाल लिया, यानी y की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x है। तो sin इनवर्स x का अवकलन हो गया 1 बटा अंडर रूट माइनस x स्क्वायर, क्या sin इनवर्स x का अवकलन हमने निकाला। इसी तरह हम क्या cos इनवर्स x का भी अवकलन निकाल सकते हैं। उसके लिए फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, y बराबर cos इनवर्स x मानेंगे, यहां से x बराबर हो गया cos y, तो dx बटा dy, y के साथ दोनों बच्चों का अवकलन कर देंगे, cos y का माइनस sin y होता है। ठीक, अब यहां से देखिए dy का dx बराबर 1 बटा dx बटा dy, 1 बटा dx बटा dy, dx बटा dy की वैल्यू है माइनस साइन y, या 1 बटा माइनस साइन y की वैल्यू क्या आप लिख सकते हैं, हमने बताया कि कोई भी सब संख्या पक्ष से यहां से साइन y बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस cos स्क्वायर y, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y, यहां से माइनस 1 बटे अंडर रूट माइनस cos स्क्वायर y, cos y की वैल्यू है अंडर रूट माइनस x स्क्वायर, यानी dy by dx, y की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x है, यहां से dy dx cos इनवर्स x बराबर हो गया माइनस 1 बटे अंडर रूट माइनस x स्क्वायर, या sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का अवकलन हमने पढ़ा। अब बताया कि कैसे निकाला जाता है, परीक्षा में इससे प्रश्न आ भी सकते हैं एक नंबर के, इसका अवकलन कैसे निकाला जाएगा। थैंक्स, आप हमारे चैनल डीडीआईसी ऑनलाइन इटली को यूट्यूब पर जाके लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें।
तो tan y बराबर
कर लीजिए सेट स्क्वायर वाई माइनस वन हो गया। अब यहां से एक बटा सेक वाई टेन वाई की जगह क्या है कर लीजिए सेट स्क्वायर वाई माइनस वन डिवाइड बाई डी एक्स। यहां से डी वाई डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है सेक नंबर एक्स है एक बटा सेक वाई एक्स है अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। यह हो गया डी बाई डी एक्स से इनवर्स एक्स इक्वल टू एक बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर हम क्या करेंगे कोसेक इनवर्स एक्स का निकालेंगे। इसके लिए देखिए कोसेक इनवर्स एक्स का तो यहां मान लेंगे लेट वाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। यहां से x बराबर cosec y हो गया dx बटा dy यहां dy के साथ अवकलन कर देंगे dx बटा dy बराबर cosec y का माइनस cosec y इनटू cot y ठीक। अब फिर हम dy गई dx निकालना है हमको तो 1 बटा dx बटा dy तो 1 बटा dx बटा dy की वैल्यू क्या है माइनस cosec y इनटू cot y ठीक। अब यह देखिए माइनस एक बटा cosec y इनटू cot y तो cosec y बराबर x है cosec y बराबर x हमने लिख दिया और cot y बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर y माइनस और cot y का cosec हमने करी में cosec स्क्वायर y माइनस 1 हो गया। अब माइनस एक बटा x करी में x स्क्वायर माइनस 1 क्योंकि cosec y बराबर x है क्या हो जाएगा x स्क्वायर cosec स्क्वायर y है तो यहां से d by dx आ cosec इनवर्स x या बराबर आपका हो गया माइनस एक बटा x करी में x स्क्वायर माइनस 1। इस तरह हमने आपको जो जो छह त्रिकोणमितीय पाठ होते हैं उनका इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन निकाल के उसका उत्तर हमने आपको बता दिया। तभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट अब हम लोग एक्सरसाइज 5.6 पढ़ेंगे अजय कुमार अग्रवाल की बुक से। इसके पहले आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8355029712। इस पे कोई भी समस्या आपको है तो व्हाट्सएप पे कम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो और जो सवाल मैं बता रहा हूं एक्सरसाइज के लिए होमवर्क मैं दूंगा आप उसको घर पे करेंगे आप लोग सीरियस हो जाएंगे। स्टे एट होम स्टे एट होम स्टडी एट होम जान है तो जहां है सरकार की मंशा करता आप घर पे ही रहें लेकिन पढ़ाई करें। आप सब लोग नोटबुक और पेन लेके और बुक लेके तैयार हो जाइए अजय कुमार अग्रवाल की बुक से। आप लोगों का सिलेबस चल रहा है 5.6 इसके पहले हमने जो पदों त्रिकोणमितीय फलनों का आकलन था उसका फार्मूला हमने बता दिया साई इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स इस छह फार्मूला हमने आपको बता दिया। इस छह फार्मूले के सहयोग से आप एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करें। इसमें से कुछ सवाल हम आपको बता दे रहे हैं जैसे पहला सवाल हम अजय कुमार अग्रवाल की बुक एक्सरसाइज 5.6 का पहला सवाल आप खोल लीजिए और देखिए इसको साफ हम कैसे करेंगे। यह दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर पहला इसका एक्स के सापेक्ष अवकल करिए अवकल गुणांक निकालिए। इसके लिए सबसे पहले हम यह मान लेंगे वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर लेट सबसे पहले लेट कर देंगे माना और आप जानते हैं यहां तो फार्मूला भी अप्लाई है फार्मूला पाया जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है क्वेश्चन दोनों को जोड़ देते हैं और एक क्वेश्चन में दोनों को घटा देते हैं तो हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स या वो ये क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया इसको हम घटा दिया हमने दूसरे क्वेश्चन में। अब यह फॉर्मूला आपका मिल गया वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू यह हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई बराबर। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
यक्ष आ बोथ साइड, इसका मतलब दोनों बच्चों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर आप चटाई हाई पॉइंट नीचे लगाए हाई पॉइंट हाई तक साफ किए हैं बताए भी हैं इसका फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस या माइनस कोस कॉस इनवर्स एक्स है यानी साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर कोसेक इनवर्स एक्स लिख दिया गया था अब देखिए यार कोसेक हमने इसको जोड़ दिया कोसेक ने इसको घटा दिया क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है प्रकार का फार्मूला दोनों को हमने जोड़े कोसेक जोड़ दिया कोसेक घटा दिया कि यहां इसकी जगह पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है तो पाई बाई 2 लिख लिया फिर दोनों बच्चों का हम इसके साथ में क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो dy / dx हो जाएगा dy dx आप y अब अचल राशि को हम लिख देते हैं y / उसके बाद अवकलन करेंगे y / से दोनों का साइन इनवर्स एक्स का और cos इनवर्स एक्स का अब यहां देखिए पाई बाई 2 हो गया अभी हमने फार्मूला में तक फार्मूला अभी बताया है साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स का क्या होता है बस फार्मूला वही होता है तो माइनस भी लगा देते हैं पहले तो माइनस माइनस 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर अब यहां से आप देखेंगे क्या dy / dx बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस जब का होगा तो प्लस 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर अब यहां पे एक और एक ऊपर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा पाई बटे 2 गुणे 2 बटे करीब 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि हर इसका बराबर हम को नीचे लिख देंगे अंश को जोड़ लेंगे या 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा पाई बटे करीब 1 माइनस एक्स स्क्वायर यही हो गया आपका आंसर है पहले सवाल का आंसर था इशू के इसके पहले सवाल का आंसर था इसको आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल भी देख रहे हैं दूसरा सवाल क्या है cos इनवर्स 2x का अवकलन निकालना है ऐसा कोई प्रक्रिया इसमें भी बनाएंगे y का हम मानेंगे मान ले y = cos इनवर्स 2x यहां से x के सापेक्ष अवकलन dy / dx / dy / dx आप इसका cos इनवर्स 2x का थोड़ा जुकाम तो प्रभावित है हम डिवाइड ये cos इनवर्स 2x cos इनवर्स का हमने क्या बताया माइनस 1 बटे करीब और माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो cos इनवर्स 2x का माइनस 1 बटे 1 माइनस 2x का वर्ग फिर देखिए 2x का x का करते हैं फंक्शन इसमें दो बन हो गया तो cos इनवर्स 2x हो गया एक वो 2x हो गया तो 2x का भी यहां करेंगे डिवाइड ये का क्या 2x 2x का भी करेंगे अब यहां देखिए माइनस 1 बटे करीब और माइनस 2 गुणी 4x स्क्वायर और 2x से क्या हो जाएगा 2 को बाहर कर देंगे x का और यानी माइनस 2 बटे करीब और माइनस 4x स्क्वायर यह हो गया आपका आंसर दर्शा आप लोग प्रतिदिन अपना होमवर्क जरूर करें आपको अभी मैं होमवर्क भी दे रहा हूं इसके बाद इसको नोट करिए मैं होमवर्क भी दे रहा हूं होमवर्क प्रतिदिन करके व्हाट्सएप नंबर जो मैंने बताया उस पर भेजिए और टीडीआई की स्टूडेंट जो है काफी देरी तक काले के जो छात्र हैं वो अधिक से अधिक इसको वीडियो को जरूर देखें जो भी समस्या है उसको व्हाट्सएप नंबर हमारे 8550 29712 है पे जरूर कमेंट करें भेजें जब कोई ऐसा बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों के लिए डीआईटी ग्रुप भी बना हुआ है व्हाट्सएप पर फुल क्लास डीआईटी के आदेश अनुसार प्रतिदिन चल रहा है उसमें भी प्रति होमवर्क दिया जा रहा है आप लोग एक्टिव होइए समय कम है इसी तरह इस महामारी से बचने के लिए घर में ही रहकर आप पढ़ाई कर सकते हैं और हम आप लोगों को कुछ सवाल दे रहे हैं उसको घर से करके लाइएगा जैसे तीसरा सवाल इसका है कोसेक इनवर्स साइन एक्स इसका भी अवकलन आपको करके लाना है चौथा सवाल है लॉग साइन इनवर्स एक्स लॉग साइन इनवर्स
कोसेक नंबर का इंडेक्स है, लाग साइन इंवर्टेक्स है, इसी तरह आप लाग कॉस इंवर्टेक्स का भी निकालिए, लाग कॉस इंवर्टेक्स का निकालना है आपको, यह आपको होमवर्क है, होमवर्क को करके घर से लाना है आपको, छठवां सवाल है यह टेन इंवर्टेक्स, इस पे इसको होमवर्क करिए और व्हाट्सएप बर्गर ग्रुप जो कि डीआईटी का ट्वेल्थ का ऑनलाइन क्लास का चल रहा है उस पे आपको भेजा है ताकि हम देखें कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं जो आपको समझ में ना आए वो पूछिए जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा उसको पूछिए और डीआईटी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब पे खोलेंगे आपको मिलेगा यह वीडियो जो समझ में ना आ रहा उसको बताइए और इसको एक्सरसाइज 5 और 6 का तीसरा चौथा पांचवा छठवां सवाल आप लगा के व्हाट्सएप करें और जो नहीं आता है पूछिए फिर अगले कक्षा और अगली कक्षा में मैं आपको सवाल बताऊंगा जो भी आपको हार्ड प्रॉब्लम कठिन समस्या आ रही है उसको जरूर बताया जाएगा आप चिंता ना करें इंदिरा काम का पालन करते हुए घर में रहें सुरक्षित रहें सीखते हैं होम स्टडी है होम थैंक्स।